के बहुत अच्छे फनकार मौजूद हैं जो जश्न आज़ादी के इस मौका पर हमारी रौनक को दुबाला करने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं और इस यादगार शाम को बहुत हसीन बना देंगे। अपने साथ मोहब्बत, खलूस और प्यार के फूल लेकर, चाहत के फूल लेकर आपकी मोहब्बत उनको यहाँ पर खींच लाई है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर में जब तक म्यूजिशियन तैयार होते हैं, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए, इससे पहले कि हम दर्द के सफ़ीर जनाब अताउल्लाह खान साहब ईसा खैलवी को आपके सामने फ़न का मुजाहरा करने के लिए पेश करें, पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन जिनको आपने पहले भी टेलीविजन पर शायद देखा होगा, जो कि बहुत सी आवाज़ों में आपके सामने पेश होंगे, निज़ामुद्दीन चौधरी निज़ामुद्दीन का आइटम पेश करेंगे, उसके अलावा गुलाम अली की आवाज़ में आपको गीत सुनाएंगे। तशरीफ लाते हैं जनाब निसार भट्ट। तमाम बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को निसार भट्ट सलाम अर्ज़ करता है। इससे पहले कि अताउल्लाह ईसा खैलवी कुछ प्रोग्राम करें, हालात ठीक करने के लिए चंद एक कॉमेडी आइटम पेश कर रहा हूं, इस उम्मीद से कि आप लोगों को पसंद आ जाएं। तो सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है कि मेरे हाथ में कोई साज़ नहीं, लेकिन इसके बावजूद आपको ऐसा महसूस हो जैसे कुछ साज मैंने छुपा रखे हैं, मसलन फ्लूट, गिटार और शहनाई पे एक धुन पेश कर रहा हूँ, तुमको पिया दिल दिया कितने नाज। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, इससे पहले कि निसार भट्ट साहब अपना आइटम पेश करें, माइक वगैरह एडजस्ट कर लें तो उसके बाद मेरा ख्याल शुरू किया जाए। कैन वी हैव द माइक्स ऑन प्लीज, थैंक यू। आज इस प्रोग्राम में आपने अरब लोहार भाई को सुना
और अताउल्लाह सखेल भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी बहुत कुछ सुनाएंगे। लेकिन इस शो में मलका तरन्नम नूर जहाँ तो नहीं आई, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो जैसे पुराने दौर में आप मैडम को सुन रहे हैं फिल्म अनमोल घड़ी के लिए। आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आवाज मेरे दिल में उम्मीद का घर। वैसे तो मैडम का साथ बहुत से गुलूकारों ने दिया है, लेकिन पुराने दौर में सुरिंदर एक गुलूकार था, तो देखना है वो पुराने दौर का गुलूकार उसने ये साथ किस तरह से दिया। और पुराने दौर में नौशाद साहब ने, मौसीकार नौशाद साहब ने वो जो पुराने साज इस्तेमाल किए हैं वो क्या है। पुराने दौर में साज कम थे, तो कम साजों में रात का फैक्ट। पुराने सुरिंदर साहब आए उस दौर के गुलूकार, उन्होंने जो साथ दिया है वो क्या है। Thank you.
अहम शख्सियत पाकिस्तान की। देखना ये है कि मैडम का तो गीत हो चुका कुछ साज भी, कि वो शख्सियत कौन सी है, क्या आप बूझ पाते हैं कि ये शख्सियत वाकई वो है जो मैं बताना चाहता हूँ। उनके बात करने का अंदाज़, बात को भूल जाने का अंदाज़ क्या है, और जब बात याद आ जाती है तो फिर बात करने का अंदाज़ क्या है। कुछ लोगों में अल्लाह के फजल करम से इस प्रोग्राम के अंदर मैंने वाजिया तौर पे जो कि महसूस किया है वो ना जो मैंने यहाँ पे देखा, तो ख़ास तौर पे ना के जो मैं बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का जो मकसद है, पाकिस्तान का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब तक के ये मकसद पूरा नहीं होता मैं जाने वाला नहीं। अभी तारक लोहार, आरिफ लोहार भाई प्रोग्राम कर रहे थे, काफ़ी डांस किया उन्होंने, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने, तो पंजाबी में एक आइटम पेश कर रहा हूँ कि सन 1920 के अंदर ज़ोरा बाई अम्बाले वाली खातून गुजरी अपने दौर दी मलका सी, उन्होंने एक गीत गाया, उन्होंने गीत नू पाकिस्तान दे एक बेवा खुसरी ने गाया। असल गीत जड़ा सी उदे हालात की ने, जिसलिए वह गीत खुसरे को लाया तो खुसरे ने अपनी गोर गर्दन ते गाया तो की हाल बनाया। असल गीत की हाल बनाया। इन्हों का डांस खुसरे का वो डांस होता जो किसी किताब च नहीं लिखा, मुझे मुबारक से बादल वहाए मस्त हवाएं आए, पिया कार जब आजा पिया कारा। Yeah।